बताए सर दूसरा फार्मा के अलावा एक और सेक्टर जिस पर हम काफी बुलिश थे हैं और रहेंगे दिवाली के वक्त से और वो है आईटी। हमें लगता है 2024 का साल आईटी शेयरों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहेगा और एक ऐसे ही अननोन आईटी शेयर को मैं लेकर आया हूं जो कि बहुत नोन है लेकिन इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिहाज से अननोन है, OFSS ओरेकल फाइनेंस। ये वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है। कंपनी आम और यहां पर पहले मैं आपको लेवल्स दे दूं, 5,350, 5,850 और 6,500 के बड़े टारगेट है एक से तीन साल के लिए। ये लेकर चले, हो सकता है साल भर में भी आ जाए, हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, लेकिन ये है वो स्टॉक्स जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है। और यहां पर भी सिंपल सीधी पे की चीज है, हर 5% फॉल पर आपको SIP करनी है। जुबिलेंट फार्मा मैंने 10% बोला था, ध्यान रखिए 5% बोला हूं। फॉर एग्जाम्पल 4,350 से 200 रुपए नीचे 4,150, 3,950, ऐसे अगर 5-5% फॉल आए तो यहाँ पर 5% फॉल पर SIP करें। SIP भी ऐसा नहीं है अंदाज से, यहाँ 5% पर करनी है, जुबिलेंट फार्मा 10% पर करनी है। इस लेवल पर करनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों पसंद है? मेनली सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस में, अभी सॉफ्टवेयर सर्विसेज और प्रोडक्ट बिजनेस में फर्क रहता है। ये प्रोडक्ट बिजनेसेज में अभी तक कंपनी की परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बिजनेस में होने की वजह से थोड़ी सी ढीली ढाली से चल रही है। एक अच्छा क्वार्टर कंपनी को पूरी तरह से टर्न अराउंड कर सकता है और वो वापस से बैक ऑन ट्रैक ला सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, लाइफ हाइपर मार्केट है और आईटी कंपनियां जिनमें डिविडेंड यील्ड नहीं के बराबर होता है, इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड पता है 6% डिविडेंड, 250 रुपए के आसपास का डिविडेंड देती कंपनी। मतलब आप खाली डिविडेंड के लिए भी खरीदे तब भी कोई बुरा नहीं। और प्रमोटर इंटरनेशनल ग्लोबल प्रमोटर है। वैल्यूएशंस देखिए, ये खाली 14-15 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है और 6% की डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। मतलब डाउनसाइड रिस्क काफी कम है। मजे की बात क्या जी, सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मुझे पसंद है, इनकी पेरेंट कंपनी इससे 75% से 100% प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। वो 28-30 के मल्टीपल पर ट्रेड करती है, ये 15 के मल्टीपल पर। अगर आपकी सब्सिडी कंपनी इतने डिस्काउंट पर ट्रेड करती है तो पेरेंट कंपनी क्या करेगी? बायबैक कर लो, रिलिस्टिंग करा लो। पहले भी अटेम्प्ट कर चुकी, हो नहीं पाया, फिर से हो सकता है। दूसरी बात, हाल ही में जो ओरेकल ग्लोबल कंपनी जो है, जिन्होंने बाहर जाकर जितने एक्विजिशन किए वो सब 22-25 के मल्टीपल पर किए हैं। सो ये तो उनके लिए एक तरह से, जब आप नई कंपनियां 22-25 के मल्टीपल खरीद रहे हो तो आपके लिए तो बायबैक या फिर डीलिस्टिंग बहुत ईजी है अपनी लोकल कंपनी का। सो आई थिंक ये जो पेरेंट कंपनी के साथ इनका बड़ा डिस्काउंट है वो डिस्काउंट कम हो जाएगा, बायबैक या फिर डीलिस्टिंग का कैंडिडेट बन ही सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक कमाल कर सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली आप साल भर से तीन साल के व्यू के हिसाब से लेकर रखें, इन प्योरली इन्वेस्ट है, नाम के लिए शायद वायदा कारोबार में, लेकिन है ये पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग के लिहाज से है ही नहीं। और आराम से जब बाजार का मूड माहौल खराब हो, आपको मौका मिले, तब धीमे धीमे खरीदारी कीजिए। ये है स्टॉक ओरेकल फाइनेंस। Got it, sir. इसी पर एक राय मुझे लेनी है। और कल मुझे याद है कि एक बार जैन साहब ने जेम्स स्टॉक पे दिया था और तब मैंने बोला इतना बड़ा स्टॉक, मैंने कहा 4,000 वाला और वो भी FNO वाला, जनरली FNO वाला, आई थिंक ये एकमात्र FNO स्टॉक होगा जैन साहब के जेम्स में, हो सकता है। जैन साहब, एम आई राइट? क्या बात है जी, ये जेम स्टॉक मैंने दिया था 28 जुलाई 2020, सेकेंड जेम स्टॉक था ये, पहला जो था उसके बाद, मतलब ये स्टॉक को मैंने जब दिया तो आपका पर्सनली फोन आया कि जैन साहब आपने इतना बड़ा स्टॉक कैसे दिया, क्या दिया, और हमें तो मिड कैप स्मॉल कैप इस सेगमेंट में लाना है और ये FNO स्टॉक, और अच्छी बात है, बहुत बढ़िया कंपनी है। बट आई रियली रिमेम्बर यू, मतलब कि आपने ये किया था और आपकी मेमोरी की मैं दाद दूंगा, सीरियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग। और ये पहला ये था, और दूसरा मैंने ITC, बस दो ही स्टॉक मैंने FNO स्टॉक्स को या बड़े स्टॉक्स को मैंने जेम्स में दिया और दोनों ने गजब के रिटर्न्स दिए। एंड OFSS इज वन ऑफ द स्टॉक्स और मैं बहुत ज्यादा बुलिश रहता हूँ इनका, जो फाइनेंशियल सेक्टर में लोग इसके सॉफ्टवेयर को काफी यूज करते हैं और बहुत बड़ी कंपनी है। और सबसे बड़ा बात है कि जो इसकी वैल्यूएशन है वो सस्ती है, कंसोलिडेटेड स्टॉक है। हम लोग ने भी हमारे क्लाइंट्स को काफी बार रेकमेंड किया और अभी भी हमारा टॉप रिकमेंडेशंस में है ये, और 20 के पी मल्टीपल पे स्टॉक बहुत सस्ता लगता है। जो डिविडेंड यील्ड, फंडामेंटल सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, मतलब समहाउ ऐसा लगता है FNO में ये स्टॉक ऐसा अगर कुछ नहीं हो तो OFSS में आप डाल के डाल दीजिए, मतलब पैसा ओरेकल में आप पार्क कर दीजिए, कोई दूसरी पिक नहीं मिले तो, ये वैसा वाला स्टॉक है। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर एक्नोलॉजी।